आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के इस लेक्चर सीरीज में आज हम मेडिएशन के बेसिक मीनिंग को समझेंगे। अब तक के वीडियोस में हमने एडीआर के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। हमने ये जाना है कि एडीआर में बेसिकली पांच मोड्स हैं जिनका यूज़ करके हम अपने डिस्प्यूट को आउटसाइड द कोर्ट सेटल करा सकते हैं विद इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम एंड विद इन मिनिमम एक्सपेंसेस। और ये जो पांच मोड्स हैं, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मेडिएशन, लोक अदालत और नेगोशिएशन, हमने आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत और आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, इन सभी टॉपिक्स को बड़े ही डिटेल्ड वे में कवर किया है। तो अगर आप वीडियो में नए हो तो उन वीडियोस को देख सकते हो। आज हम एक दूसरे मोड ऑफ एडीआर से डील करेंगे जिसे कहा जाता है मेडिएशन। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में मेडिएशन को डिफाइन करने के लिए पूछता है, तो हम उसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट से मेडिएशन को समझेंगे ताकि शॉर्ट क्वेश्चन में अगर मेडिएशन आए तो आप इसे आसानी से डिस्क्राइब कर लो, ठीक है। मेडिएशन भी एक मोड है एडीआर का, इट इज़ अ मोड ऑफ एडीआर। मेडिएशन इन्वॉल्व्स इंटरवेंशन ऑफ अ थर्ड पर्सन कॉल्ड एज मेडिएटर इनटू अ डिस्प्यूट हु असिस्ट द पार्टीज इन नेगोशिएटिंग जॉइंटली एक्सेप्टेबल रिजोल्यूशन ऑफ इशूज इन कॉन्फ्लिक्ट। तो मेडिएशन क्या है? मेडिएशन एडीआर का एक मोड है। ठीक है, वीडियो में आ गई ना, अब जाओ जाओ, अभी आना। तो मेडिएशन बेसिकली एक मोड है एडीआर का, विच इन्वॉल्व्स इंटरवेंशन ऑफ अ थर्ड पर्सन। देखो, हम जब डिफरेंट मोड्स ऑफ एडीआर को समझते हैं जिसमें हम आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, नेगोशिएशन, लोक अदालत के बारे में बात करते हैं, तो एक चीज़ जो इन सब में कॉमन होगा वो है इंटरवेंशन ऑफ थर्ड पर्सन। हालांकि लोक अदालत में ये लाइन आप नहीं लिखोगे क्योंकि लोक अदालत एक स्टैचुटरी बॉडी है और वो समय समय पर ऑर्गेनाइज कराया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, नेगोशिएशन और मेडिएशन, इनमें क्या होगा? देयर इज इंटरवेंशन ऑफ थर्ड पर्सन हु इज एन इम्पार्शियल पर्सन, ठीक है। तो मेडिएशन इन्वॉल्व्स इंटरवेंशन ऑफ अ थर्ड पर्सन, इसे आप मेडिएटर कहोगे। ये मेडिएटर दो पर्सन्स को हेल्प करता है जिनके बीच डिस्प्यूट अराइज रहता है, उन्हें हेल्प करता है कि वो एक साथ मिल करके जॉइंटली अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर ले। मेडिएटर उनसे एक न्यूट्रल प्लेस पर मिलता है जहां वो दोनों आए, एक दूसरे से मिले और एक दूसरे के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एक म्यूचुअली अग्रीड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट हो अंडर द सुपरविजन ऑफ मेडिएटर। यहां पे जो मेडिएटर होता है, ही इज अ ट्रेंड प्रोफेशनल, ये एक ट्रेंड प्रोफेशनल होता है
जिसके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होता है, एक अच्छा नेगोशिएशन टेक्निक होता है जो पार्टीज को हेल्प करता है इन नेगोशिएटिंग देयर डिस्प्यूट्स, और इस तरह से पार्टीज को हेल्प करता है कि किस तरह से उनके पास वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस अवेलेबल है और वो चाहे तो एक दूसरे से नेगोशिएट करके किसी बेस्ट सॉल्यूशन को अपना सकते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो मेडिएशन इज इंटरवेंशन ऑफ, इट इज इंटरवेंशन ऑफ इम्पार्शियल थर्ड पर्सन नोन एज मीडिएटर intervention of impartial third person known as mediator into the dispute between parties who assist them in negotiating jointly acceptable, जो कि दोनों parties को acceptable हो, acceptable resolutions of disputes in conflict. आगे आप लिखोगे मेडिएटर, मेडिएटर मीट्स देम ऑन अ न्यूट्रल लोकेशन, ही इज अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल, ही इज a trained professional having good communication skills and negotiation techniques. आगे आप लिखोगे ऑन दैट वेरी न्यूट्रल लोकेशन, उस न्यूट्रल लोकेशन पर पार्टीज आपस में डिस्कस करती हैं और वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करती हैं, और उनमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है, जो दोनों ही पार्टीज के लिए एक्सेप्टेबल होता है, दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट में होता है, उसे वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। ऑन दैट वेरी न्यूट्रल लोकेशन पार्टीज यूज टू डिस्कस द डिस्प्यूट एंड फाइंड एंड फाइंड्स आउट वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस। तो दिस इज मेडिएशन, यही क्या है, मेडिएशन है। अब मेडिएशन को जब आप डिफाइन करोगे तो कुछ बातों को ज़रूर हाईलाइट करोगे, जैसे इम्पार्शियल थर्ड पर्सन जिसे हम मेडिएटर कहते हैं, जिसके पास एक अच्छा
कम्युनिकेशन स्किल होता है, निगोसिएशन टेक्निक होता है, जो ट्रेंड प्रोफेशनल होता है, जो एक न्यूट्रल लोकेशन पर पार्टी से मिलता है और उन्हें हेल्प करता है कि वो अपने डिस्प्यूट को डिस्कस करें और वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करें, और जो सॉल्यूशन बेस्ट होगा, फेवरेबल होगा, उनके इंटरेस्ट के बिहाफ में होगा, जो दोनों ही पार्टीज को एक्सेप्टेबल होगा, उसे वो अडॉप्ट कर लेंगे और अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लेंगे। यही है मेडिएशन। मेडिएशन बेसिकली तीन पिलर्स पर डिपेंड है। देर आर थ्री पिलर्स ऑफ मेडिएशन। मेडिएशन के तीन पिलर्स हैं। पहला, दोनों पार्टीज एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए रेडी हैं। यानी कुछ बातें आप मेरी मान लो और कुछ आपकी बातें मैं मान लूँगा। तो इफ बोथ द पार्टीज आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज, बोथ पार्टीज आर रेडी टू कोऑपरेट ईच अदर, तो ही मेडिएशन पॉसिबल है। तो लिख सकते हो, बोथ पार्टी आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। दूसरा, बोथ आर रेडी टू पुट डिफरेंसेस असाइड। दोनों रेडी हैं कि हमारे बीच जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी भिन्नताएं हैं, हम उन्हें एक साइड करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए रेडी हैं। वी आर रेडी टू कम्युनिकेट ईच अदर बी साइड ऑल दोज डिफरेंसेस। और तीसरा, विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज, दोनों कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। तो दूसरा लिखोगे, रेडी टू पुट डिफरेंसेस असाइड और रेडी टू कॉम्प्रोमाइज, रेडी टू कॉम्प्रोमाइज। अब मेडिएशन में इस तरह के डिस्प्यूट्स रिजॉल्व कराए जाते हैं। तो कमर्शियल डिस्प्यूट्स, लीगल डिस्प्यूट्स, डिप्लोमेटिक, फैमिली मैटर्स, ये सभी डिस्प्यूट्स हम रिजॉल्व करा सकते हैं, बिकॉज इन सब्जेक्ट मैटर पर उस पर्टिकुलर मेडिएटर का क्या होता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है। उसके पास वैरायटी ऑफ नेगोशिएशन टेक्निक होता है और अपने उस स्पेशलाइज्ड नॉलेज स्किल का यूज करके पार्टीज को हेल्प करता है इन नेगोशिएटिंग द डिस्प्यूट। ठीक है, तो मेडिएशन क्या है? इट इज अ वॉलेंट्री एक्ट बाय द पार्टीज टू सबमिट देयर डिस्प्यूट बिफोर अ मेडिएटर। इनएक्सपेंसिव है, इट इज इनएक्सपेंसिव देन लिटिगेशन एक्सपेंसेस। तीसरा, पार्टीज डिसाइड आउटकम, क्योंकि पार्टीज जब डिस्कशन करेंगी और मेडिएटर के सुपरविजन में करेंगी, तो मेडिएटर उन्हें हेल्प करेगा कि किस तरह से वो वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस को ढूंढ सकती हैं, खोज सकती हैं, और फिर जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है उसे वो अडॉप्ट कर लेंगी। तो जो आउटकम होगा कौन डिसाइड करेगा? पार्टीज डिसाइड करेंगी। एंड देयर इज वैरायटी ऑफ आउटकम्स अवेलेबल। ठीक है, तो ये था मेडिएशन जिसे हमने डिस्कस किया। तो मेडिएशन अगर पूछता है और आप इस तरह से डिफाइन कर देते हो, तो ये अपने आप पे सफिशिएंट है। और आई होप कि मेडिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज के इस वीडियो में हमने मेडिएशन के कॉन्सेप्ट को समझा। अब आने वाले वीडियोज़ में
हम ऐसे ही ADR के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।